विद्यार्थी मित्रों, प्राणी जगत को दो महत्वपूर्ण समूहों में बांटा जाता है, समपृष्ठ रज्जु प्राणी और असमपृष्ठ रज्जु प्राणी। आज हम पहले असमपृष्ठ रज्जु प्राणियों की विशेषताओं को दोहराएंगे और फिर असमपृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में अध्ययन करेंगे। असमपृष्ठ रज्जु प्राणियों में शरीर को पृष्ठ रज्जु का आधार नहीं मिलता है, अंतक कंकाल नहीं होता है, अंतर्गत आधार नहीं होता है, ग्रसनी में क्लोम छिद्र नहीं होते हैं, हृदय अगर होगा तो वो शरीर के पृष्ठ तल पर होता है, तंत्रिक रज्जु अगर हो तो वो शरीर के अधर तल में होती है, वो युग्म और ठोस होती है। केंचुआ, इसका वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्टुमा। वर्गीकरण, जगत प्राणी जगत, उपजगत असमपृष्ठ रज्जु, संघ कृमि। उदाहरण केंचुआ। इनकी विशेषताएं, इनका शरीर बेलनाकार दंडाकृति होता है और वो उपचर्म से ढका होता है। उपचर्म ये शरीर की रक्षा के लिए बाह्य आवरण होता है। इनके शरीर में विखंडी खंडी भवन होता है, अर्थात गोलाकार खंड होते हैं। ये इन प्राणियों की पहचान है। ये जमीन में बिल बनाते हैं जिससे मिट्टी शिथिल हो जाती है, इसी कारण ये किसानों के दोस्त होते हैं। तिलचिट्टा, वैज्ञानिक नाम पेरिप्लानेटा अमेरिकाना। वर्गीकरण, जगत प्राणी जगत, उपजगत असमपृष्ठ रज्जु, संघ संधिपाद प्राणी। उदाहरण तिलचिट्टा। विशेषताएं, तिलचिट्टा स्थलीय प्राणी है जो आर्द्र गर्म और छायादार वातावरण में पाया जाता है। ये निशाचर प्राणी है, अर्थात रात को यह क्रियाशील हो जाता है। इनका शरीर तीन भागों में विभाजित होता है, सर, वक्ष और उदर। इनके शरीर के आसपास मोटी परत में लाल भूरे रंग का काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। इनके दो जोड़ी पंख होते हैं और तीन जोड़ों को जोड़ जोड़ कर उपांगों का निर्माण होता है। संधिपाद का अर्थ यही होता है, पैर या उपांग जोड़ना, यही इन प्राणियों की पहचान होती है।